हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी बनाएंगे। रेस्टोरेंट्स में सब्जी में बहुत सारा तेल डाला जाता है, पर हम इसे घर पर ही कम से कम तेल यूज करके बाहर जैसा टेस्टी ही बना सकते हैं। सबसे पहले हम भटूरों का आटा गूंदेंगे, जिसे कि हम एक दिन पहले तैयार कर रख देंगे। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप सेल्फ रेजिंग आटा। आप सेल्फ रेजिंग ना हो तो प्लेन मैदा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच सूजी का आटा। फिर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे, 4 बड़े चम्मच। और 4 बड़े चम्मच दही। दो छोटे चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच शक्कर यानी कि चीनी। अभी आप इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आटा गूंदने से पहले आप ये ध्यान रखें कि इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स कर देना है। जब ये आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लें। इस आटे को हमें सॉफ्ट गूंदना है और इसे गीला गीला गूंदना है, ड्राई नहीं रहने देना। और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से सॉफ्ट गूंद लेंगे। जब ये अच्छे से गूंद जाए तो इसे 15 से 20 मिनट तक साइड पर रख दें और उसके बाद इसे हम फिर से गूंदेंगे। अब देखेंगे आटा ये ड्राई लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी और डालकर इसे चिपचिपा गीला कर देंगे। भटूरे के आटे में जरूरी है कि थोड़ा मॉइस्चर यानी कि गीलापन रहे। अब आप देख रहे हैं ये चिपचिपा सा हो गया है। अब हम इसे ढककर कुछ गर्म जगह पर रखेंगे। मैं इसे ओवन में रख रही हूँ। ओवन को मैंने थोड़ा सा गर्म करके ओवन बंद कर दिया है और इसे मैं टॉवल में लपेट के यानी कि किसी भी कपड़े में लपेट के इसे मैं ओवन में रख दूंगी। पूरी रात वहाँ रहने दूंगी और फिर सुबह हम इसकी भटूरे बनाएंगे। अब हम बनाएंगे चने। मसाला चने बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्रेशर कुकर। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल या ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई अदरक डालेंगे। इसे 1-2 मिनट तक पकाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लहसुन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटे हुए प्याज। जब इस मिक्सचर का कलर बदलने लगे, ये स्लाइटली ब्राउन होने लगे, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। अगर आप कैन टमाटर यूज कर रहे हैं तो 3/4 हिस्सा कैन टमाटर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप ताजे टमाटर यूज कर रहे हैं तो 3 टमाटर लगेंगे। अब आप इसमें हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। जब तक कि यह तड़का तैयार होता है, हम सूखे मसाले तैयार कर लेंगे। एक तवे को गरम कर लें और इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल लें। साथ ही में थोड़े से आंवले डालेंगे। हम इन सब चीज़ों को ड्राई ही पकाएंगे। 2 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया के बीज और 3 से 4 कड़ी पत्ते, 3 से 4 लौंग और 2 से 3 काली इलायची। अब इसको तवे पे अच्छे से पकाएं। इसकी जब खुशबू आने लगे तो इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लें ताकि ये सड़ ना जाए। इसके बाद हम इसी तवे पर जो पाउडर मसाले हैं, सूखे पाउडर मसाले हैं, उन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच चना मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लें और इसे अपने तड़के में डाल लें। आप देख सकते हैं तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल साइड से निकल आया है। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे, पर सबसे पहले हम तेल पर थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसमें पाउडर मसाले और साथ ही जो साबुत मसाले हमने रोस्ट किए थे वो भी डाल लें। इन सब मसालों को इस तड़के में डालने के बाद हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैंने कम से कम 3 छोटे चम्मच नमक डाला है। अगर आप लूज टी यूज करते हैं तो 2 से 3 चम्मच लूज टी को अच्छे से उबाल लें या फिर 3 चाय की पत्तियां अच्छे से पानी में उबाल कर हम इस मिक्सचर में डाल लेंगे। इससे इसका कलर बहुत ही गाढ़ा आएगा। अब मैं इस तड़के में डालूंगी 3 कप भिगोए हुए चने, जैसे कि मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे। सब कुछ इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और प्रेशर कुकर को बंद करके 40 से 50 मिनट तक इसे पकाएं। चालीस से 50 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। ये एकदम से रेडी है और चने बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। अगर आप चाहें ये जो मोटे मसाले हैं ऊपर से निकाल सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आंवला या कुछ और मसाले इसमें मैश हो जाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काली इलायची, मोटी इलायची और सम कड़ी पत्ते जो है वो आप निकाल सकते हैं। चने बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि हम बाजार में या रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब हम बनाएंगे भटूरे। आटा बिल्कुल रेडी है, हमने इसे जो ओवन में रखा था अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें और इसे बेल लें। भटूरे बनाने के लिए मैं मोस्टली तेल लगाती हूँ, पर अगर आप नए हैं, कभी नहीं बनाया तो आप आटा यूज कर सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। कुछ पेड़े आप पहले तैयार कर रख लें क्योंकि पूड़ियाँ भटूरे बहुत जल्दी बन जाते हैं तो आप पीछे ना रह जाएं। ये देखिए थोड़ा सा तेल लेकर आप अपने हथेलियों पे लगा लें और इसके पेड़े बना लें। इसमें सूखा आटा ना लगाएं ताकि आपका जो फ्राइंग तेल है वो खराब ना हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लें, मेक श्योर करें तेल एकदम हॉट हो। अब हम भटूरों को बेलकर इसे बहुत ही ध्यान से आराम से हम इसको तेल में डाल लेंगे। तेल में डालने के बाद किसी भी स्पैचुला से या स्ट्रेनर से हम हल्के हाथों से इसे नीचे को दबाएंगे और पूरी को भटूरों को फूलने देंगे। एक तरफ से जब ये ब्राउन हो जाए तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लें। अब देख सकते हैं भटूरा एकदम फ्राई हो गया है और ये फूल गया है। अगर आपके भटूरे ऐसे फूले तो इसका मतलब ये तेल बहुत ही कम सोक करेंगे। इसे आप पेपर टॉवल पर डालकर जो एक्सेस ऑयल है, जो ज्यादा ऑयल साइड से निकलता है, वो सोक कर लेगा पेपर टॉवल। हमारे चने पहले तैयार हो गए थे, भटूरे अब तैयार हो गए हैं। चने पे थोड़ी सी सूखी मेथी डालकर इसे सर्व करें और गरम गरम एंजॉय करें। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं नॉर्मली DIY ब्यूटी, होम रेमेडीज और फूड रेसिपीज शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।